देखिए ये भी देखिए भाई, वैगनार वाला गया, ये पागल, ये ऐसे रॉन्ग साइड कभी भी ना जाए, यही बंदे जाम लुवाते हैं। देखिए आगे जाके अब वो फंस जाएगा, आगे से आ गया भाई ट्रक, मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ अगर दिख जाए तो। अभी भी आप हाफ क्लच पर ही पूरे रास्ते गाड़ी को मत चलाइएगा। अब जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर यह गलती ना करें, गाड़ी रोकी हुई है तो मैंने गियर लगा के क्लच दबा हुआ है, तो आप ये कर दे कार का न्यूटन करके और क्लच को आप छोड़ दें, सिर्फ ब्रेक पर पैर रखे, इससे क्या है जो हमारी क्लच प्लेट है वो फ्री हो जाएगी। तो आप कार को हमेशा न्यूटन करके और उसका हैंड ब्रेक उठा दे। अब जैसे मैंने बात बात तो मुझे ध्यान नहीं दिया, मैंने ब्रेक पे से पैर हटा लिया तो पीछे जो व्हीकल्स हैं उनमें आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। तो ये गलती आप कभी भी ना करें, हमेशा हैंड ब्रेक का यूज करें जब भी आप ऐसे किसी जैम में फंस रहे हो। और जो व्हीकल का डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है वो कितना मेंटेन रखे वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपका व्हीकल चढ़ाई पर है तो उसमें आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन बीच में मतलब इतना रखो चाहे बाइक वाला अंदर घुसा दे, क्योंकि क्या होता है कई बार कई ड्राइवर एक्सपीरियंस नहीं होते, कई बंदों पे गाड़ी बैक आ जाते जब ऊपर की तरफ उठाते हैं, उनकी सीएनजी में हो या नई नई सीखी हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन रीजन कुछ भी हो उसकी कार आपकी कार के साथ टकरा जाएगी। जब भी हम जाम में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कभी भी आप हाफ क्लच पर ही पूरे रास्ते गाड़ी को मत चलाइएगा। अब जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर यह गलती ना करें, गाड़ी रोकी हुई है तो मैंने गियर लगा के क्लच दबा हुआ है, तो आप ये कर दे कार का न्यूटन करके और क्लच को आप छोड़ दें, सिर्फ ब्रेक पर पैर रखे, इससे क्या है जो हमारी क्लच प्लेट है वो फ्री हो जाएगी। अब जैसे जब मुझे आगे चलना होगा तो तभी मैं गाड़ी में गियर डालकर इसको आगे मूव करूंगा, और हैंड ब्रेक का यूज ऐसे में हमेशा कर ले। जब भी आपको दिख रहा होगी ट्रैफिक है, देखिए आगे तक काफी ज्यादा जाम लगा हुआ है वहां तक, तो ये कम से कम आधे घंटे का ट्रैफिक है, तो हमेशा हैंड ब्रेक का यूज करें, क्योंकि कई बार हमें धोखा लग जाता है। देखिए अब जैसे गाड़ी चल रही है आगे, ब्रेक छोड़ के सिर्फ मैं क्लच छोड़ता, लेकिन ये सीएनजी की कार है तो इसलिए इसमें रेस देनी पड़ती है। अगर आपके पास पेट्रोल की कार हो तो सिर्फ क्लच क्लच में उठ जाते हैं, लेकिन सीएनजी की कार हो तो उसमें आपको रेस की जरूरत पड़ती पड़ती है। दोबारा देखिएगा अब इसमें कुछ, अब ये ढलान पर है तो अब ये चल जाएगी, देखिए अब नीचे जा रहा रोड, जब थोड़ा चढ़ाई पर था तो रोका, देन न्यूटन कार, हैंड ब्रेक डाउन अप कर दो। अगर आपको ये लग रहा है कि हल्के हल्के गाड़ियां चल रही, जैसे वहां पर सामने देख सकते हैं आप बिल्कुल हल्के हल्के चल रहे हैं, ट्रक देखिएगा मूव कर रहा है, तो आप ऐसे में तो न्यूटन ना करें। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही हम यहाँ पर रुक के खड़े हुए हैं, तो आप कार को हमेशा न्यूटन करके और उसका हैंड ब्रेक उठा दे। अब जैसे मैंने बात बात तो मुझे ध्यान नहीं दिया, मैंने ब्रेक पे से पैर हटा लिया तो पीछे जो व्हीकल्स हैं उनमें आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। तो ये गलती आप कभी भी ना करें, हमेशा हैंड ब्रेक का यूज करें जब भी आप ऐसे किसी जैम में फंस रहे हो। और गाड़ी का ब्रेक देखिएगा, मैंने दबा रखा है, आपको उसमें ब्रेक लाइट भी दिख रही होगी, ब्रेक पे मेरा पैर है, आगे चलना है, देन हल्की सी रेस देके। देखिए सीएनजी कार है, ढलान पर मुक्के की बात है, कभी कभी उठ गई, वरना सीएनजी की कार प्रॉब्लम करती ही करती है, और एक 90% लोग ये गलती करते हैं। आप जैसे देखिएगा भाई, अब हम सभी अपनी लेन में चल रहे हैं, दूसरे वाली लेन बिल्कुल खाली है। अब कई मूर्ख होते हैं, कार ले रहे, चलो बाइक वाले जा रहे हैं ठीक है जाने दो इन्हें, लेकिन गाड़ी वाले जाके और आगे उसको अपनी कार को लगा देते हैं, जिससे कि दोनों लेन बंद हो जाती हैं। अब जैसे बाइक वाले भी रुक गए, आगे से कोई कार इन्हें दिख रही होगी, देखिएगा ये लेफ्ट की तरफ अंदर कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है जैसे कि मैं अपनी लेन में खड़ा हूँ ठीक आराम से खड़ा हूँ, लेकिन हम अगर दूसरी लेन में जाते हैं, रॉन्ग लेन में जाते हैं, तो अगर उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लगी किसी को, गाड़ी का कोई नुकसान हो गया, तो उसमें जिम्मेदार भी हम होंगे, बेशक से हमारी गलती ना हो क्योंकि हम रॉन्ग साइड में है और सामने वाला ट्रैफिक परेशान होगा। तो भाई थोड़ा सा ग्रेजुएट पर्सन वाले काम करा करो, अनपढ़ वाले काम छोड़ दो भाई, कुछ ही लोग करते हैं। हालांकि देखिएगा जैसे हम लाइन में चल रहे हैं, मुझे 15 मिनट होगी इस लाइन में खड़े, एक भी कार को मैंने आगे जाते नहीं देखा, सब भी पीछे खड़ी है। देखिएगा पीछे लाइन लग रही है, इस वाले मिरर में दिखाता हूँ, पीछे पूरी लाइन लगी हुई है। अब दोबारा से मैं वही गलती खुद कर देता हूँ कई बार, लेकिन जो आपको बताता हूँ वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ, मैंने क्लच और ब्रेक दोनों पे पैर रखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है अगली कार से इतना। जैसे एक चीज और ध्यान रखें, देखिए ये भी देखिए भाई, वैगनार वाला गया, ये पागल, ये ऐसे रॉन्ग साइड कभी भी ना जाए, यही बंदे जाम लुवाते हैं। देखिए आगे जाके अब वो फंस जाएगा, आगे से आ गया भाई ट्रक, मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ अगर दिख जाए तो, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा वैगनार के ऊपर से, ये आपको कैमरे में नहीं दिख रहा, आगे से आ गया ट्रक, अब वैगनार वाला गया भाई फंस, तो ऐसी हरकत कभी भी ना करें। और जो व्हीकल का डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है वो कितना मेंटेन रखे वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपका व्हीकल चढ़ाई पर है तो उसमें आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन बीच में मतलब इतना रखो चाहे बाइक वाला अंदर घुसा दे, क्योंकि क्या होता है कई बार कई ड्राइवर एक्सपीरियंस नहीं होते, कई बंदों पे गाड़ी बैक आ जाते जब ऊपर की तरफ उठाते हैं, उनकी सीएनजी में हो या नई नई सीखी हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन रीजन कुछ भी हो उसकी कार आपकी कार के साथ टकरा जाएगी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। डिस्टेंस अच्छा खासा
मेंटेन रखे। अब मेरी कार चढ़ाई पर नहीं है, ढलान पर है, तो मैं देखेगा मैं इसका अंदाजा कैसे लगाऊंगा कि मेरी कार से आगे कितना डिस्टेंस है। जो ये वाइपर है देखिए, अब ये मेरी कुछ पोजीशन है जहां से मुझे दिख रहा है। अब आगे मैं चलाता हूँ कार को गियर डालकर। अब मैं इसको बिल्कुल आपको बम्पर का बम्पर टच करके दिखाऊंगा। देखिए जब मुझे नीचे वाला बम्पर दिख रहा कार का, जब मुझे ब्लैक वाला पार्ट दिखना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं बचा हुआ। देखिएगा बिल्कुल भी गैप नहीं बचा हुआ था। ढलान पर है तो आप बिल्कुल चिपका कर भी रख सकते, थोड़ा सा ही गैप रखो, लेकिन अगर आप चढ़ाई पर है तो फिर ज्यादा आपको गैप रखना पड़ता है। तो वीडियो में जानकारी अच्छी लगी लाइक कर दो भाई, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।